दरभंगा सदर प्रखंड के लुआम पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बने लगभग 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक ये चालू नहीं हो पाया है। अब लोग निराश हो गए हैं। लोगों ने बताया कि अधिकारी सुन नहीं रहे हैं, तो भवन बनाने में करोड़ों का खर्च आखिर क्यों किया गया। मुख्यमंत्री आए हुए थे, यहाँ से 1 किलोमीटर जो है तो पड़ता है मदरसा, बहुत बड़ा मदरसा, वहाँ आए थे। तो यहाँ के जनता उनसे अनुरोधना किया कि हम लोग को एक हॉस्पिटल चाहिए, इतना बड़ा हमाम में एक हॉस्पिटल है जो दरभंगा जाते हैं और बच्चे पेशेंट को बहुत तकलीफ होता है। तो उन्होंने हम लोग को जवाब दिया कि ठीक है, हम 6 बेड का जो है तो आपको हॉस्पिटल दे दिया। इसके बाद जब ऑर्डर हुआ तो ये जमीन पड़ता है जो है तो आपको मंदिर में, सूरज बाबू के मंदिर में। तो हम लोग जा करके कहे कि ये हॉस्पिटल बनने के लिए जनता को सुविधा हो तो ये भगवान की मंदिर की संपत्ति है तो दे दीजिए। उन्होंने रजिस्ट्री कर दी। ये जो है तो 14 में स्टार्ट हुआ बनना। इसके बाद उस दिन से आज तक न कोई MP MLA इसको खोज किया। हम लोग आशे में है कि आज होगा, खुलेगा, कल खुलेगा। ऐसी 6 बेड का बना हुआ, ऐसी का इसमें बिजली सब कुछ लग चुका, मोटर वोटर सब चल, सब चीज लग चुका, लेकिन आज तक ये खुला नहीं। बच्चे लोग कितना अच्छी को खिड़की को तोड़ दिया, कुछ कर देता कुछ कर देता। हम लोग आशे लगाए हुए, कोई भी पेशेंट होता था हम लोग जाते हैं जब तो डरा हुआ दरभंगा। तो आप लोग किसी नेता को ये बात कहें कि नहीं, चुनाव के समय ये तो नेता तो हमारे नेता के कहा गया, सुनिए, हमारे नेता ललित जी जो 6 साल से लगातार जीत रहे, पहले नेता थे हम लोग का जो है सो ये पासवान, कौन पासवान है, राम विलास पासवान, सितंबर पासवान जो थे, तो 3 साल तक वो हमारे इलाका को बहुत बना। इसके बाद जब वो चले गए तो ललित बाबू आए, लेकिन ललित बाबू आज तक इसको खोज नहीं किए, रोड को खोज नहीं किए, हॉस्पिटल को खोज नहीं किए। इस मरतबे ही विजय पाए हैं वो। तो इस मरतबे आए थे चुनाव में वोट मांगने आप लोगों से जी, तो आप लोग कहे नहीं पर इसके बारे में, स्वास्थ्य विभाग के बारे में इसका तो कोई चर्चा नहीं हो रहा है, तो क्या हम लोग का, आप लोग हॉस्पिटल के बारे में चर्चा नहीं किए। वो तो देख नहीं रहे, वो तो आए थे तो उनको टहला करके दिखाया गया मोहल्ला। तो क्या बोले, वो बोले कि चलो करेंगे 2014 में। हाँ, तब से क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ का स्थिति न कोई नेता आता है चालू करने के लिए और न कुछ होता है, वैसे कैसे पड़ा हुआ है। हम लोग को बीमार उमार पड़ते हैं तो दरभंगा जाते हैं सब 20 किलोमीटर। तो जिस समय बन रहा था उस समय में क्या उम्मीद थी आप लोगों को? हम लोग तो कहते थे कि चालू हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को सुविधा होगा, सुविधा के जगह में असुविधा ही रह गया। तो अब क्या लगता है आप लोगों को? अब हम लोग क्या कहे, कोई चालू करने के लिए नेता लोग नहीं आते हैं तो फिर हम लोग को बस का तो है नहीं है। तो क्या उम्मीद लगता है कि अब यहाँ जो इतने दिन से बंद है अब चालू हो पाएगा क्या? देखिए, करने वाला ना करेगा। उपाय तो यही है कि कोई नेता वो बगैर आवे और उसके बाद इसको उद्घाटन करे, चालू करे तो हम लोग को सुविधा होगा। कोई बीमार पड़ता 20 किलोमीटर दरभंगा लेके भागना पड़ता है, इतना देर में दम तोड़ देता है। तो अब तो भवन की क्या स्थिति है? भवन का स्थिति तो देखते हैं, बच्चा लोग तोड़ फाड़ के इकट्ठा करके रखा है, बच्चा लोग खेलता कूदता इधर ढेपा। तो ये असुविधा है कि हम लोग को नहीं बनने पर हम लोग को जाना पड़ता है कहीं कहीं दूसरा जगह, और दूसरा जगह जाके इलाज कराना पड़ता है। जब बना तो इसको होना चाहिए ना काम। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब अस्पताल शुरू ही नहीं करना था तो भवन बनाने की क्या जरूरत थी? जब लोगों को स्वास्थ्य सेवा देना ही नहीं था तो फिर वादा क्यों किया गया? दरभंगा से बोलता बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।